एक समय की बात है, भीमपुर नाम का एक गांव था। वहां के लोग बहुत गरीब थे। उसी गांव का रमेश ऐसे ही जंगल के रास्ते गुजर रहा था। बहुत दिनों के बाद इस जंगल से गुजर रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तब वो खुद को एक रेगिस्तान में पाता है। अरे, मैं जंगल से रेगिस्तान कैसे पहुंच गया? आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ? कैसा चमत्कार है ये? जो भी हो, अब मुझे रास्ता तो खोजना ही पड़ेगा। फिर वह आदमी रास्ते की तलाश में निकल पड़ता है। वह चलते रहता है। चलते चलते वह बहुत थक जाता है। चलते चलते मेरी तो हालत खराब हो गई। बहुत प्यास भी लगी है, अब और नहीं चला जाता। तभी उसकी नज़र दूर एक पेड़ पर पड़ती है। वाह, वहाँ एक पेड़ है, चलो वहीं जाकर आराम किया जाए। फिर वो उस पेड़ के पास जाता है। जब वह उस पेड़ के पास पहुँचता है तब वह देखता है कि उस पेड़ की भी आंखें और मुंह है। साथ ही साथ उस पेड़ पर पैसे भी उगे हुए हैं। पेड़ बोलता है, मैं जादुई पैसों का पेड़ हूँ। मैं तुम्हारी कोई 3 इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन याद रखना मुझ में एक खराबी भी है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो सुनो, मेरी पहली इच्छा है कि तुम गांव चले जाओ, क्योंकि मेरे गांव के लोग बहुत गरीब हैं। तुम्हारी वजह से उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। इच्छा पूरी करूँगा, दूसरी इच्छा मांगो। मेरी दूसरी इच्छा ये है कि मैं सही सलामत अपने गांव पहुंच जाऊं। इच्छा पूरी हुई, तीसरी इच्छा मांगो। मैं अपनी तीसरी इच्छा अभी नहीं, बाद में मांगूंगा। लेकिन ऐसा क्यों? वह तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। ठीक है। फिर वो पेड़ और आदमी गायब होकर उसके गांव पहुंच जाते हैं। वो कुछ पैसे तोड़कर अपने घर चला जाता है। अब गांव के सभी लोग आते हैं और उस पेड़ से पैसे तोड़कर अपना गुजारा करने लगते हैं। कुछ सप्ताह बाद अचानक गांव के सभी लोग बीमार पड़ने लगते हैं। वे रास्ते में ही बेहोश होने लगते हैं। फिर रमेश वहां आता है। ये क्या हो रहा है मेरे गांव वालों के साथ? अचानक सभी लोग बीमार कैसे होने लगे? ये सब तभी से शुरू हो रहा है जब से वो जादुई पैसे का पेड़ आया है। फिर वह उस पेड़ के पास जाता है। ये सब मेरे गांव वालों के साथ क्या हो रहा है? तुम्हारे गांव वालों में मेरा वायरस फैल गया है, जो मेरे पैसों में है, जिसकी वजह से तुम्हारे गांव वाले बीमार पड़ रहे हैं। तो अब मैं इन्हें कैसे ठीक करूंगा? ये मैं नहीं बता सकता। तो ठीक है। फिर रमेश थोड़ा सोचता है। जादुई पेड़, मैं अपनी तीसरी इच्छा मांगता हूँ। हाँ, मांगो। तो सुनो, मेरी इच्छा है कि मेरे सारे गांव वाले ठीक हो जाए और तुम्हारे अंदर जो वायरस है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। अब समझ आया कि तुमने अपनी तीसरी इच्छा क्यों नहीं मांगी थी। तुम सच में बहुत समझदार हो। सारे गांव वाले ठीक हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ रमेश की समझदारी के कारण। एक समय की बात है, जयनगर नाम के एक गांव में भोला नाम का एक लड़का रहा करता था। वह अपने घर में बिल्कुल अकेला था। एक दिन किसी वजह से उसके घर में आग लग गई। हाय, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। उसी घर में मेरे सारे बचत के पैसे थे, अब मैं क्या करूँगा, हे भगवान। तभी वहाँ उसका दोस्त रामू आता है और बोलता है, कोई नहीं यार, चल नई शुरुआत कर, ये ले 10,000 रुपये, जाओ और शुरू कर। धन्यवाद दोस्त, तू ही है जो बुरे वक्त में मेरा साथ देता है। हाँ हाँ, चल चल, ठीक है। लेकिन यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। मेरे पास एक आइडिया है, तू आलू चिप्स की दुकान खोल ले, खूब चलेगी। ठीक कहा यार, मैं कल से ही शुरू कर दूंगा।
अगले दिन भोला ने नाके पे चिप्स की दुकान खोल ली। ले लो एकदम बढ़िया वाले चिप्स ले लो, आओ आओ बढ़िया चिप्स खाओ आओ। लेकिन भोला की दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आते। समझ नहीं आता है कि ये ग्राहक क्यों नहीं आते मेरी दुकान पे। सुबह से शाम हो जाती है, सुबह से शाम हो गई, अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया, ऐसे में तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तभी वहाँ एक गरीब भिखारी आता है। कुछ खाने को दे दो बेटा, दो दिनों से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है बेटा, कुछ दे दो। बेचारा, अगर मैं इसे चिप्स दूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, लेकिन ये बेचारा दो दिनों से भूखा है, मैं दे ही देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। फिर भोलानाथ उस भिखारी को चिप्स दे देता है। धन्यवाद, वाह मैं प्रसन्न हुआ, तुम बहुत ही दयालु और अच्छे इंसान हो। मैं एक जादूगर हूँ, मैं लोगों की परीक्षा लेता हूँ, शाबाश। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम्हारे चिप्स जादुई बन जाएंगे, तुम्हारे चिप्स अपने आप ही लोगों की इच्छा के अनुसार कुरकुरे में बदल सकेंगे। वाह धन्यवाद, धन्यवाद जादूगर जी, तथास्तु। उसके बाद भिखारी गायब हो जाता है। फिर अगले दिन भोलानाथ अपनी दुकान से चिल्लाता है, आइए आइए जादुई चिप्स खाइए, कभी नहीं खाया होगा ये चिप्स, इसे आप अपने मन के अनुसार कुरकुरे में बदल सकते हैं, आइए आइए आइए। इतना सुनते ही भोलानाथ की दुकान में भीड़ लग जाती है, लोग चिप्स खरीदते हैं, कोई चिप्स खाता है और कोई चिप्स को कुरकुरे में बदल कर उसे खाता है। भोलानाथ का धंधा चल पड़ता है सिर्फ और सिर्फ उसकी अच्छाई और दयालुता के कारण। लालची रोटी वाली। एक समय की बात है, एक गांव में एक रोटी वाली रहती थी। उसके दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, सब उसकी खूब तारीफ करते, वाह विमला वाह क्या रोटी बनाई है, हाँ हाँ अच्छा है बहुत अच्छा है। एक दिन उसके दुकान पर एक जादूगर आया, उसने कहा रोटी वाली जरा रोटी तो खिलाओ। विमला बोली जी जरूर। फिर रोटी वाली ने जादूगर को रोटी दी, जादूगर ने रोटी खाई और बोला वाह वाह क्या बात है लाजवाब, आज तक मैंने ऐसी रोटी कभी नहीं खाई। फिर जादूगर ने अपनी छड़ी को रोटी वाले की रोटी पर घुमाया और बोला अगर कभी तुम्हारे पास पैसे की कमी हो तो तुम ये रोटी किसी राजा को खिला देना, वो खुश होकर तुम्हें बहुत सारे पैसे इनाम देंगे। अगली दिन रोटी वाली की दुकान में एक राजा आया, उन्होंने कहा मेरे लिए रोटी पेश की जाए। रोटी वाली को लालच आ गया, उसने सोचा मैं अगर जादूगर वाली रोटी इन्हें खिला दूं तो मैं बहुत ही अमीर बन जाऊंगी। फिर रोटी वाली ने राजा को जादुई रोटी खिला दी। रोटी खाने के बाद राजा ने उसके दुकान को सैनिकों द्वारा तुड़वा दिया और इस तरह रोटी वाली को उसके लालच की सज़ा मिल गई।